Why am I doing this? You know, if you think about the very nature of life, I mean, from the very beginning, the development of the first cell, divided into two cells. This whole purpose of life has been to pass on what was learned. That there is no higher purpose. So if you're asking me what to do with all this knowledge you're accumulating, I say, pass it on. Just like any simple cell going through time. 2016 से मैं ये चीज़ सोच रहा था कि मैं ऐसा कुछ करूँगा जहाँ पर मैं अपने एक्सपीरियंसेस रिकॉर्ड करूँगा, बट हमेशा एक दिमाग में ये सवाल रहता था कि मैं ये सब क्यों कर रहा हूँ। मैंने इस बारे में एक्चुअली पहले भी एक वीडियो बनाया है। इट वॉज ऑल एडिटेड एंड इट वॉज रिटन इन अ फॉर्मेट वेयर देर वर एनिमेशंस एंड GIFs एंड अ नंबर ऑफ थिंग्स विच वर यू नो एंटरटेनिंग बट बोरिंग। पिछले साल हम लोगों को एक असाइनमेंट के नाम पर कंटेंट बनाने के लिए बोला गया था, एक पर्टिकुलर ब्रांड के लिए, ब्रांड अपने चॉइस का हो सकता था। मेरे और मेरे क्लासमेट्स ने मिलकर हम लोगों ने प्लेस्टेशन 5 के ऊपर प्रेजेंटेशन बनाई थी। हमने उस प्रेजेंटेशन को प्लेस्टेशन के सोर्सिंग मैनेजर को भी सेंड किया था लिंक्डइन के ऊपर। ऑफकोर्स रिप्लाई तो कुछ आया नहीं, बट उस मेल का टाइटल हमने लिखा था, इट्स ऑल अबाउट क्रिएटिंग बेटर एक्सपीरियंसेस। लाइफ इज अबाउट क्रिएटिंग एक्सपीरियंसेस एंड लाइफ इज अबाउट एक्सपीरियंसिंग वॉट लाइफ इज। सो दीज वीडियोज आर ऑल अबाउट क्रिएटिंग बेटर एक्सपीरियंसेस एंड इट इज ऑल्सो टू प्रिजर्व द पास्ट। सिर्फ मैं नहीं, मेरे फ्रेंड्स भी वीडियोज बनाना स्टार्ट किया है जो मुझे बहुत पसंद है। मुझे तो लगता है कि सारे लोगों ने यूट्यूब पर आ जाना चाहिए एंड एवरी वन मस्ट क्रिएट वीडियोस। 2012 में फर्स्ट टाइम मुझे यूट्यूब चैनल बनाने का सूझा था, क्योंकि 2012 में मेरे पास पहली बार स्मार्टफोन आया था। उसके बाद 2016 में मैंने फिर से ये चीज़ सोची थी, और 2017 में जब मैंने लद्दाख की बाइक राइड की थी तब ये डिटर्मिनेशन और स्ट्रॉन्ग होता हुआ दिख रहा था मुझे, बट पता नहीं मैं नहीं कर पाया उस टाइम पर भी। 2018 में मैंने फिर कुछ वीडियोस बनाए और उनको यूट्यूब पे अपलोड भी किया था, बट कंसिस्टेंसी थी नहीं तो मैंने वो सारा कंटेंट हटा दिया। एक इंसान जिसके वजह से मुझे सबसे ज्यादा इंस्पिरेशन मिली है, आई वुड लाइक टू थैंक दैट गाय, हिज नेम इज चिंतामणि जयपुरी। ही इज अ मोटो ब्लॉगर हु स्टेज इन रायपुर इफ आई एम नॉट रॉन्ग। कुछ राइड्स उनके बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं। ऐसे बहुत सारे यूट्यूबर्स थे, लेकिन एक्चुअली अगर मुझे किसी ने ट्रिगर किया है इन वीडियोज को प्लेटफॉर्म पे शेयर करने के लिए तो द पर्सन इज चिंतामणि जयपुरी। एंड व्हाट एल्स, मुझे कैमरा की एक नई डेफिनेशन समझ में आई है पिछले दो हफ्तों के अंदर। इट्स मोर देन अ इक्विपमेंट और इट्स मोर देन अ टूल फॉर मी नाउ। व्हाई आई से दिस इज बिकॉज यू कैन एक्चुअली प्रिजर्व द पास्ट। बीते हुए कल को तुम एक्चुअली जी सकते हो। देर वॉज अ टाइम वेन पीपल यूज टू प्रिजर्व देयर मेमोरीज थ्रू स्टिल फोटोग्राफ्स, बट विद द एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी नाउ वन कैन डू इट by making videos, which is pretty interesting, I feel. So I urge you all to be on YouTube, to come on YouTube, to make memories, to make videos, share with me, share with people. If you don't feel like sharing it, keep it private. It's like a Google Drive that you can use with unlimited storage space. अगर उस content को किसी ने hack कर लिया तो दिक्कत है, but उस चीज़ को safeguard करने के लिए मेरे ख्याल से सभी लोगों को उसमें responsible रहना पड़ेगा। I am trusting YouTube's platform and you the people who are behind the entire platform of YouTube कि वो लोग इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। मेरे स्कूल फ्रेंड ऋषि दत्ता ने मुझे एक बार कहा था कि थॉट्स को वोकलाइज करना बहुत अच्छी आदत होती है, बट उस थॉट्स को वोकलाइज करने के बाद उनको प्रिजर्व करके लोगों के सामने रखना बहुत मुश्किल काम लगता है मुझे। बट ये स्ट्रगल है और ये चलता रहेगा, कब तक चलता रहेगा मुझे पता नहीं। एंड आई विल बी मोर कॉन्फिडेंट विथ दिस कैमरा। I know I'm not a perfect human being and I have made a lot of mistakes. This is just me vocalizing what is here and nothing else.